नमस्कार, मैं राहुल भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हिंदू ज्योतिष में। जो साथी अभी अभी नए जुड़े हैं, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज का हमारा विषय रहने वाला है पंचक। साथियों, बहुत ही गंभीर मुद्दा, हर किसी के दिमाग में पंचक का नाम सुनते ही एक भय सा उत्पन्न हो जाता है। आज इसी चीज को मैं क्लियर करने वाला हूं कि आखिर पंचक है क्या। साथियों, पंचक से घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं। पंचक के अंदर मात्र 5 कर्म निषेध होते हैं, परंतु भ्रांतियां लोगों के अंदर क्या बन जाती हैं कि राखी के दिन पंचक आ गए। हर साल ये लोगों के अंदर भ्रांति आ जाती है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। साथियों, रक्षाबंधन का जो त्योहार है भद्रा के अंदर हमें नहीं मनाना चाहिए, पंचक के अंदर मनाने का 1% भी दोष नहीं है। तो आइए बात करते हैं पंचक के बारे में। पंचक में सिर्फ 5 कर्म निषेध हैं। पहला कर्म, दक्षिण दिशा में पंचकों में हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। दक्षिण दिशा की यात्रा पंचक में करना निषेध है। साथियों, इस दिन पंचक के अंदर हमें चारपाई नहीं बनानी चाहिए। जो लोग चारपाई इत्यादि बुनते हैं, चारपाई हमें पंचक में नहीं बनानी चाहिए। दाह संस्कार, साथियों किसी की मृत्यु अगर पंचक में हो जाए तो ऐसा शास्त्रों का मानना है कि पंचक में अगर हम उसका दाह संस्कार कर रहे हैं तो हमें उस दिव्य आत्मा की मुक्ति के लिए 4 पुतले और बना करके उनका भी दाह संस्कार करना होता है। और साथियों, पंचक के अंदर हमें छत नहीं डालनी चाहिए। अगर नया घर का निर्माण आपका चल रहा है तो हमें छत नहीं डालनी चाहिए। 5वीं बात साथियों, हमें लकड़ी का संग्रह नहीं करना चाहिए। पंचक में हमें लकड़ियों का संग्रह नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये 5 कर्म हैं जो पंचक के अंदर निषेध हैं। शादी, सगाई इत्यादि पंचक के अंदर आप ये शुभ कर्म कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। शास्त्र लिखित बात मैं आपको बिल्कुल ये बता रहा हूं जो शास्त्र के अंदर साफ साफ शब्दों में प्रमाणित है। सिर्फ ये 5 कर्म ही पंचक के अंदर निषेध हैं। आशा करता हूं पंचक के प्रति जो आपकी भ्रांति है दूर हो गई होगी। तो वीडियो को जल्दी लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें, और जो साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।